you. So, today I'd like to teach for class 4 of English. Our today's topic is Nazir Sabir, the 9th lesson of our course book, Nazir Sabir. Who was Nazir Sabir? Here's the person. He was the mountaineer of Pakistan. But what were his achievements? His achievements kya thi? Unke achievements kya thi? He was the first Pakistani to climb Mount Everest. His speciality kya thi? Wo pehle Pakistani the jo duniya ki sabse buland choti yani Mount Everest par chadhe the. And he is also the second Pakistani to climb K2. Aur iske alawa wo dusre Pakistani the jo K2 par chadhe the. ये दो ऐसी उनकी अचीवमेंट्स हैं जिनकी वजह से पूरी दुनिया उन्हें जानती है, पूरा पाकिस्तान उन्हें जानता है. आज हम उन्हीं के बारे में कुछ मज़ीद चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं. सो एंड लेट्स कंटिन्यू. फर्स्ट ऑफ ऑल विल डिस्कस अबाउट हिम एज अ माउंटेनियर ऑफ पाकिस्तान. माउंटेनियर्स यानी वो लोग जो पहाड़ों पर चढ़ते हैं, उन्हें उनकी समिट तक पहुँचते हैं, उन्हें सर कहते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल हम नाज़िर साबिर के बारे में पढ़ेंगे एज अ माउंटेनियर ऑफ पाकिस्तान. हिज अर्ली लाइफ. He was born in Ramanji, northern Hunza, Pakistan. वो पाकिस्तान के नॉर्दर्न एरियाज यानी हंजा के इलाके रामनजी में पैदा हुए थे. His native area did not have any educational institute, so he worked hard to educate himself. जिस इलाके में वो रहते थे यानी पहाड़ों पर, वहाँ पर कोई educational institute नहीं था जहाँ पर वो education हासिल कर सकते. इससे उन्होंने बहुत मेहनत की, दूर दराज स्कूलों में जाके मतलब उन्होंने अपनी education complete की और अपने आप को इस काबिल बनाया कि वो कुछ कर सके. उनका पैशन क्या था? ही लव्ड द माउंटेन्स एंड क्लाइंबिंग देम टू. वो पहाड़ों पर रहने वाले आदमी थे इसलिए उन्हें पहाड़ों से बहुत मोहब्बत थी और उन्हें पहाड़ों पर चढ़ना बहुत ज़्यादा पसंद था. बचपन से उनके अंदर ये चीज़ थी, इसीलिए वो एक क्लाइंबर बने. ही ऑलवेज लव्ड टू टेक रिस्क, दैट्स व्हाई हिज एम्बिशन वाज क्लाइंबिंग. उन्हें रिस्क लेना पसंद था. जब आप वो एक ऐसे इलाके में रहते थे कि वो रोज़ पहाड़ों पर चढ़ते थे उतरते थे, तो उस चीज़ ने उन्हें इतना अप्रिशिएट किया उस चीज़ को, उन्होंने उसने इतना इंस्पायर किया उन्हें कि उस चीज़ को उन्होंने अपना एम्बिशन बना लिया और उन्होंने उस चीज़ के लिए यानी क्लाइंबिंग के लिए जद्दोजहद शुरू की. नेक्स्ट इस क्लाइंबिंग करियर के बारे में डिस्कस करते हैं. उन्होंने अपना क्लाइंबिंग करियर स्टार्ट किया फ्रॉम पासो पीक. Start his career in Hunza with the Japanese expedition in 1974 by climbing the Pasu Peak. उन्होंने हंजा में ही एक पीक है पासो पीक जो कि 7,284 मीटर्स हाइट पर है. उन्होंने उससे अपना क्लाइंबिंग करियर स्टार्ट किया यानी एक जापानीज एक्सपीडिशन के साथ, क्योंकि वो हंजा के रहने वाले थे, उन्हें उस इलाके का ज़्यादा पता था, इसलिए वो जापानीज एक्सपीडिशन का हिस्सा बने और वहाँ से उन्होंने अपना करियर स्टार्ट किया क्लाइंबिंग करियर इन 1974. नेक्स्ट फर्स्ट मेजर सक्सेस यानी उनकी पहली सबसे बड़ी कामयाबी उनके क्लाइंबिंग करियर में कौन सी थी. नाज़िर एंड हिज एक्सपेडिशन लीडर वर फर्स्ट पीपल टू क्लाइंब माउंट पायो इन चाइना. दिस इज माउंट पायो इन चाइना, 6,660 मीटर्स हाई. नाज़िर साबिर और उनके जो एक्सपेडिशन लीडर थे वो पहले लोग थे जिन्होंने जो इस पहाड़ी के ऊपर चढ़े थे यानी इसके समिट तक पहुँचे थे, इसके आखिरी हिस्से तक पहुँचे थे. सो दैट वॉज हिज मेजर सक्सेस. यहाँ से उनके एक करियर में बूस्ट आया, उन्होंने उनका एक सक्सेसफुल करियर स्टार्ट हुआ. स्टार्टिंग उन्होंने पासो पीक से की थी लेकिन ये उनकी करियर की मेजर सक्सेस थी. द नेक्स्ट थिंग वी टॉक अबाउट द क्लाइंबिंग ऑफ K2. उन्होंने बहुत सारी चोटियाँ सर की लेकिन उनके लिए ये था कि वो सबसे अपने मुल्क की सबसे बुलंद चोटी और दुनिया की दूसरे नंबर की चोटी को सर करें. उन्होंने बहुत सी कोशिशें की इसको सर करने की लेकिन नाकाम रहे. लेकिन 7th अगस्त 1981 में वो आखिरकार K2 के समिट तक पहुंचने में कामयाब हो गए. नाज़िर रीच्ड ऑन K2 समिट ऑन 7th अगस्त 1981. आइदर ही वाज द सेकंड पाकिस्तानी टू रीच देयर बट ही वाज द फर्स्ट पर्सन इन वर्ल्ड टू क्लाइंब K2 यूजिंग अ न्यू रूट. वो K2 समिट करने वाले सेकंड पाकिस्तानी थे लेकिन वो दुनिया के पहले एक्सपीडिशन लीडर थे जो K2 को एक नए रास्ते से उन्होंने उसको समिट किया था. जिस रास्ते से उन्होंने उसको सबमिट किया था वहाँ पे आइस इवेंट्स ब्लिजर्ड्स जो थे वो तकरीबन 100 किलोमीटर्स पर आर की रफ्तार से चल रहे थे और वो बहुत ख़तरनाक रूट था. लेकिन उन्होंने उसी रूट के ज़रिए K2 को 1981 में सबमिट किया और वो उस रूट से सबमिट करने वाले पहले पाकिस्तानी और पहले ही इंसान थे यानी वर्ल्ड फर्स्ट पर्सन. नेक्स्ट विल टॉक अबाउट हिज एक्सपेडिशन टू माउंट एवरेस्ट.
अनमय 17 2000, नाज साबिर रीच द समिट ऑफ माउंट एवरेस्ट। हियर इज अ पिक्चर, पाकिस्तानी माउंटेनियर नाजिर साबिर होल्डिंग पाकिस्तान नेशनल फ्लैग एट माउंट एवरेस्ट मई 17 2000। मई 17 2000 का वो वहाँ पे पहुँचे थे। उससे पहले भी उन्होंने बहुत सारी क्वेश्चन की, 1981 से लेके 2000 तक वो बहुत सारी क्वेश्चन करते रहे सबमिट करने की, लेकिन उनकी जो आखिरी कोशिश कामयाब हुई वो मई 17 2000 को थी। इस क्लाइंबिंग एक्सपीडिशन में वो अकेले नहीं थे, बल्कि उनके एक कैनेडियन टीममेट बेन वेबस्टर भी उनके साथ थे। उसके अलावा भी उनके साथ काफ़ी सारे लोग थे। कोई भी क्लाइंबर अकेला एक माउंटेन पर नहीं चढ़ता, उसके साथ उसके टीममेट्स, उसके अलावा जिस इलाके की वो माउंटेन होता है, जिस इलाके में वहाँ के लोग साथ जाते हैं ताकि वो उनको एटमोसफेयर के लिए और हर चीज़ के लिए गाइड कर सकें। इट वॉज़ द मोस्ट स्प्लेंडिड ऑफ मूवमेंट ऑफ हिज लाइफ। माउंट एवरेस्ट समिट करना उनकी ज़िंदगी का सबसे अहम तरीन मौका था। उन्होंने अपने मुल्क के वो पहले इंसान थे जो वहाँ तक पहुँचे, और उनकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा ख्वाब उस दिन मुकम्मल हुआ था। यू कैन सी द माउंट एवरेस्ट हियर। कुछ और उनकी हम बात करते हैं, माउंट एवरेस्ट के टू पासू पीक और पायो पीक के अलावा उन्होंने पाकिस्तान की तीन मेजर जो बड़ी थी माउंटेन पीक्स उनका भी सैर किया। उसमें से है एक है ब्रॉड पीक, यू कैन सी हियर ब्रॉड पीक, गैशरबम 1 एंड गैशरबम 2। ये तीन केटू के अलावा ये तीन पहाड़ी चोटियां हैं पाकिस्तान की जो बुलंद तरीन में चोटियों में आती हैं। दुनिया में भी ये बहुत ज़्यादा बुलंद हैं। इनको उन्होंने सर किया था पाकिस्तान में ही। ये भी उनकी सबसे अहम कामयाबियों में से एक थी। रिवॉर्ड्स फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने उन्हें कौन से रिवॉर्ड्स दिए थे उनके काम के लिए? वो फर्स्ट पर्सन थे पाकिस्तानी जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़े, फर्स्ट सेकेंड पर्सन टू क्लाइम माउंट केटू फ्रॉम अ न्यू रूट। सो He received pride of performance in 1991, जब वो K2 के समिट पर पहुँचे और दुनिया के पहले इंसान थे जिन्होंने एक न्यू रूट से K2 का सर किया, तो उन्हें pride of performance दिया गया था गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से। एंड इन 2000 जब उन्होंने एक्सपीडिशन की थी माउंट एवरेस्ट की, तो उन्हें सितारा इम्तियाज़ यानी स्टार ऑफ एक्सीलेंस दिया गया था। 2000 में उन्होंने उसको सबमिट किया था, उसके बाद जब 2001 में वापस आए तो उन्हें ये दिया गया था स्टार ऑफ एक्सीलेंस, तारा इम्तियाज फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। आई विल डिस्कस अबाउट हिज लेटर करियर आफ्टर क्लाइंबिंग करियर। क्लाइंबिंग करियर ख़त्म होने के बाद एक लिमिट तक आप क्लाइंबिंग कर सकते हो, उसके बाद वो क्या कर रहे थे? नाजिर साबिर इज़ नाउ हेड ऑफ पाकिस्तान अल्पाइन ग्रुप। वो पाकिस्तान के अल्पाइन ग्रुप या अल्पाइन क्लब के हेड हैं। अल्पाइन ग्रुप क्या है? दैट्स अ क्लब वेयर पीपल ट्रेन फॉर क्लाइंबिंग एंड अदर आउटडोर एक्टिविटीज़। वहाँ पे लोगों को ट्रेन किया जाता है माउंटेन क्लाइंबिंग के लिए और अदर आउटडोर एक्टिविटीज़, स्काई ड्राइविंग, इस तरह की चीज़ें जो होती हैं आउटडोर एक्टिविटीज़, उन सब के लिए उनको ट्रेन किया जाता है। नाजिर साहब आल्सो एन एडवाइज़र ऑन एजुकेशन एंड टूरिज्म फॉर नॉर्दर्न एरियाज, क्योंकि उन्होंने बहुत मुश्किल से अपनी एजुकेशन कम्प्लीट की थी और उन्हें मतलब अपने इलाके को प्रमोट करना चाहते थे, इसलिए वो एक एडवाइज़र हैं एजुकेशन और टूरिज़म फॉर नॉर्दर्न एरियाज़ के लिए, ताकि वहाँ पर इन चीज़ों को प्रमोट कर सकें। इसके अलावा वो उन्होंने दुनिया के जिन भी इलाकों में विज़िट किया, वहाँ के लोगों को इनक्रेज किया कि वो पाकिस्तान में आएँ, यहाँ के नेचुरल जो चीज़ें हैं उनको देखें, यहाँ की ब्यूटी को फील करें और यहाँ पे टूरिज़्म को प्रमोट किया जा सके। सो दिस इज़ एंड ऑफ टुमारोज़ लेक्चर। इंशाल्लाह विल कंटिन्यू नेक्स्ट वीक।